Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The Capital One Arena में इस वक्त हम मौजूद हैं और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जलसे के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ मौजूद हैं. सर थैंक यू वेरी मच टू बी विद द एयरवाइज़ न्यूज़. सर कैसा देख रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या तैयारियाँ हैं? तैयारी से तो आपको अंदाज़ा ये हो सकता है कि आज तक बंद कमरों में कम्यूनिटी इजलास होते रहे, होटल के बंद कमरों में, और वो भी पार्टी के कारकुनान को बुला के कह दिया जाता था कि ये आवाम से खिताब किया. ये पाकिस्तानी कम्यूनिटी को बुलाया गया है. हर पाकिस्तानी जो उस धरती से मोहब्बत करता है, जो अमेरिका में रहता है, वो खान साहब को देखना चाहता है, वो खान साहब को सुनना चाहता है, वो नए पाकिस्तान के तसव्वुर से आगाह होना चाहता है. हम क्या लेके आए हैं, हमारे क्या इरादे हैं, हमारा मुस्तकबिल का पाकिस्तान के बारे में खान साहब का विज़न क्या है, ये है पैगाम. और इंशाल्लाह जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, अब 20,000 से ऊपर इसकी कैपेसिटी है इस अरीना की. लोग खानदानों के हमरा आ रहे हैं, फैमिली एक जज्बा ही और है, एक गाला का माहौल है और एक जोश व खरोश है, एक ईद का समा है इंशाल्लाह. और मुझे उम्मीद है कि अमेरिका में आज तक जितने इजलास हुए हैं, जितने भी सरबराहान आए हैं, पाकिस्तान की तारीख का इस किस्म की कम्युनिटी इवेंट इतना बड़ा पहले कभी नहीं हुआ होगा. सर मैंने खुद देखा है कि लोग पार्टी वाबस्तगी से हटकर इमरान खान को सुनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं, इमरान खान के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं. देखिए मुल्क के अंदर हो सकता है तफरीक हो, यहाँ हम सब पाकिस्तानी हैं और उस परचम के साए तले हम सब एक हैं. सर सादगी की नई मिसालें कायम की जा रही हैं, कमर्शियल फ्लाइट से आना, पाकिस्तान हाउस में क्याम करना. आपने तो खैर ये मिसाल पहले भी कायम की थी यूएन पे जब आप आए पाकिस्तान हाउस में. सर तो क्या मिसाल कायम की जा रही है, क्या मुनफरिद मिसालें कायम की जा रही है आगे आने वाली देखिए कौम को एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन इस जेस्चर के पीछे एक जज्बा है. कौम एक मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है जो हमें मिरसे में मिली. हम पैगाम देना चाहते हैं कि लीडरशिप ने, पहले कैबिनेट ने अपनी तनख्वाहें काटी और अब हम कफायत शारी, हम स्पेशल जहाज़ों पे नहीं कमर्शियल फ्लाइट्स पे आएंगे. ना ही 300 का काफला है, ना 300 का काफला आएगा, ना हम 5-star होटल्स में ठहरेंगे, पाकिस्तान हाउस में अपनी एम्बेसी में ठहरेंगे और सादगी से आएंगे और खुददारी से बात करेंगे इंशाल्लाह. सर जलसे के दो चार पॉइंट्स पे बताएं, इमरान खान साहब किस तरह एतमाद में ले रहे हैं, क्योंकि बहुत मोहब्बत है लोगों की यहाँ पे और बहुत बड़ा किरदार है फंड रेजिंग पार्टी के लिए या कुछ भी जैसी हो. मतलब ये फंड रेजिंग का माहौल नहीं है. ये फंड रेजिंग का इस इवेंट में फंड रेजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है. ये सिर्फ एक पाकिस्तान का पैगाम है, पाकिस्तान का इमरान खान का विजन है जो वो लोगों से शेयर करेंगे. सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आपका शुक्रिया.